हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बारिश के मौसम में सबको पसंद आने वाले क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े की रेसिपी। और ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से मॉइस्ट और मसाले से बहुत ही ज़्यादा ये भरपूर बना हुआ है। तो चलते हैं क्रिस्पी और टेस्टी गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े की रेसिपी बनाने की तरफ। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप बेसन को लेकर छान लिया है मैंने, और ये बारीक वाली बेसन है। और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक और हल्दी डालकर ड्राई में ही मिक्स कर लेना है। 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। पहले हथेलियों के बीच इसे रख कर क्रश कर लें, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और ये कसूरी मेथी लिया है मैंने। कसूरी मेथी को हल्का सा तवे पे रख के गर्म करके उसके बाद इसे क्रश करके डालें। इससे हमारे बैटर में डालने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए लम्स फ्री बैटर रेडी कर लेना है। और 1 कप बेसन में 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लग चुका है मेरा। और बैटर हमें ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है, ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। बैटर को जब रेस्ट पर फूलने के लिए रखेंगे तो ये और ज़्यादा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी बनानी है। तो बैटर को रेस्ट पर रख कर बाकी की हम तैयारियाँ कर लेंगे। तो पकौड़े के लिए हम चटपटी सी चटनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, अदरक, हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा, काली मिर्च 10 से 12, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मूंगफली लिया है रोस्ट करके, दही 2 चम्मच, और दही की जगह आप नींबू का जूस यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों का ही बराबर मात्रा में यूज किया है, इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पुदीना मेरे पास नहीं था तो पुदीना के लिए मैंने ड्राई पुदीना पत्ता यूज किया है, वो वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स भी शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड, अभी जो सीजन चल रहा है तो इसमें धनिया पत्ता जब हम लाते हैं तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसे आप हफ्ते 10 दिन तक के लिए स्टोर करके अगर आप रखना चाहते हैं तो आप धनिया पत्ता को जब मार्केट से लाएं तो पहले अच्छे से इसे धो लें, और जितने भी इसमें गले से पत्ते दिखे आपको उसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे। और बाकी जो हमारे फ्रेश पत्ते हैं उन्हें किसी साफ कपड़े पर फैला कर सुखा लें। और जब धनिया पत्ता में बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर यानी कि पानी नहीं है तो फिर आप किसी भी पॉलीथीन बैग में या एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में नीचे टिश्यू पेपर बिछा कर ऊपर से भी टिश्यू पेपर से कवर कर दें। और आप इस तरीके से रख देंगे तो फिर आपकी फ्रिज में 10 से 15 दिन तक आराम से धनिया पत्ता चल जाएगा और ये ख़राब नहीं होता है। धनिया पत्ता का सीजन अभी नहीं है तो थोड़ा धनिया पत्ता महंगा आ रहा है, तो जब हम मार्केट से लाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। फ्रेंड्स, मेरे पास ताज़े पुदीने पत्ते नहीं थे तो इसीलिए मैंने ड्राई पुदीना पत्ता यूज किया। अगर आपके पास ताज़े पुदीने पत्ते हों तो आप वही यूज करें। पुदीना पत्ता को लाकर और इसे रात भर के लिए ट्रे में धोकर अच्छे से सुखा लिया था पंखे के नीचे और इसे रख दिया है। तो इसे कभी भी हम चटनी में या किसी भी रायते में यूज कर सकते हैं क्रश करके। और यहाँ पर चटनी को मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी फ्रेंड टिप्स बताने के वजह से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पर चटनी हमारी रेडी है, तो चलते हैं स्टफिंग के लिए मसाला रेडी करने। तो पैन में तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है और जीरा डालेंगे कद्दूकस करके। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच अदरक डाल दिया है और बारीक कटी हुई हरी मिर्च 3 से 4। इन सभी को हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है, हल्का सा इसका बस कलर चेंज करना है। और 1 चुटकी हींग डालेंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच अमरदस्ते में कूट कर धनिया लिया है साबुत और सौंफ, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा ब्रेड पकौड़े की स्टफिंग में। और सभी को हमें लो फ्लेम पे ही हल्का सा रोस्ट कर लेना है। 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और बाकी सभी हम बेसिक मसाले जो घर में यूज करते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर, और ड्राई मसाले को हमें 10 से 15 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेना है। और यहीं पर भुनी हुई जीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1 चम्मच, और सभी को हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पर मैंने 5 उबले हुए मीडियम साइज के आलू लिए हैं, तो इनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में ही ठंडा करने के बाद आलू को तोड़ लिया है। आलू को हमें मसालों के साथ 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, इससे हमारे आलू में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा मसालों का। तो 2 मिनट हो चुके हैं मुझे फ्राई करते हुए या भूनते हुए मसालों के साथ आलू को।
तो फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है। आलू हमारे बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं तो अब इसे हमें हल्का सा मैश कर लेना है। तो मैं थोड़ा यहाँ पर जल्दी में हूँ तो इसे ग्लास से ही मैश कर लिया है। और आप अगर चाहें तो आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उसे भी मैश कर सकते हैं। तो आलू हमारा बहुत ही अच्छे से मैश हो चुका है और थोड़े बहुत हल्के हल्के इसमें मैश करने के बाद भी चंक्स दिख रहे हैं तो ये टेस्ट अच्छा आता है पकौड़ों में हमारे आलू का। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा गरम मसाला, तो हमारा आलू मसाला जब गरम रहेगा तभी हमें इसमें डालना है। गरम मसाला डालने के बाद मिक्स कर लिया है मैंने अच्छे से और हल्का सा आलू को मैंने ठंडा कर लिया है। तो आलू हमारा अभी भी हल्का गरम है तो इसमें अब नमक और चाट मसाला पाउडर और बारीक कटी हुई ताजे धनिया पत्ती। और अब स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है ब्रेड पकौड़े के लिए। आलू मसाला का जब भी आप स्टफिंग बनाएं पकौड़ों के लिए तो नमक और धनिया पत्ता को लास्ट में डालें, इससे हमारा जो स्टफिंग है वो हल्का सा भुरभुरा यानी कि हल्का टाइट बनता है और धनिया पत्ता का भी कलर चेंज नहीं होता है। स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है, नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हुए हैं और यहाँ पर 2 ब्रेडों को लेकर ऐसे फैला लेंगे ऊपर से ऐसे चटनी। तो चटनी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनता है। तो मैंने एक तरफ हरी चटनी और दूसरी तरफ टमाटो केचप का यूज किया है और ऊपर से स्टफिंग हमें बिल्कुल ठंडा यूज करना है। तो स्टफिंग जब मेरा ठंडा हो गया था उसके बाद ही इसके ऊपर से मैंने फैला लिया है लेकर। तो स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दोनों ब्रेडों को ऐसे हल्का सा ज्वाइन करते हुए इस तरीके से प्रेस भी कर लेंगे। तो हमारा एक रेडी हो चुका है और ये दूसरा। तो दोनों ही ब्रेडों पे मैंने एक तरफ हरी चटनी और दूसरी तरफ टमाटो केचप। तो आप चाहे तो दोनों ही ब्रेड के स्लाइस पर हरी चटनी का यूज कर सकते हैं या आप फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप टमाटो केचप लगा सकते हैं दोनों ही ब्रेड के स्लाइस पर। तो यहाँ पर स्टफिंग भरने के बाद हल्का सा हाथों से प्रेस कर लेंगे। तो इसे अब ट्रायंगुलर शेप में एक शार्प नाइफ से कट कर लेंगे। तो बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरीके का 2 पीस रखें और छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे 4 पीस में इस तरीके से कट कर लेंगे। और आप चाहें तो इस तरीके से पहले से ही कट करके इसे फ्राई करें या फिर आप फ्राई करने के बाद में बच्चों को इस तरीके से कट करके दे सकते हैं। तो हमारा पकौड़े के लिए बेस रेडी हो चुका है और इसे हमें 5 मिनट तक के लिए रख देना है ताकि चटनी का फ्लेवर ब्रेड के अंदर अच्छे से चला जाए। जब तक हम बैटर को रेडी कर लेते हैं फ्राई करने के लिए, तो यहाँ पर बैटर में मैंने जो तेल रखा है गर्म होने के लिए उसी में से 1 चम्मच निकाल कर बैटर में डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे ब्रेड पकौड़े के ऊपर की लेयर काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और यहाँ पर मैंने 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज किया है, हलवाई लोग भी इसी का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर से हमारा ब्रेड पकौड़ा अच्छे से फूलेगा और ऊपर की जो लेयर है वो स्पॉन्जी और क्रिस्पी बनी रहेगी काफ़ी लंबे समय तक के लिए भी। बेकिंग सोडा को सेम डायरेक्शन में डालने के बाद मिक्स करना है। और अब जो हमने बेस रेडी किया था यानी कि जो हमने स्टफिंग करके सैंडविच रेडी किया है, तो पहले इसके तीनों साइडों को इस तरीके से हमें डिप कर लेना है। इसके बाद जब तीनों साइड अच्छे से डिप हो जाए दोनों साइडों को भी डिप करके और निकाल लेना है और पहले से ही गरम किए हुए तेल में इसे फ्राई कर लेना है। तो तेल को डिप करने से पहले ही गरम होने के लिए रख दें। तेल अच्छे से जब गरम रहेगा तो बहुत ही कम तेल सोक करेगा ब्रेड पकौड़ा। और ऊपर की साइड पे ऐसे हल्का हल्का तेल को डालेंगे किसी चमचे से या ऐसे कलछी से भी डाल सकते हैं आप। ऊपर का जब साइड हल्का सा ड्राई हो जाए तो इसे पलट लेंगे। तो दोनों तरफ ही अच्छे से इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तो इसे अब निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ब्रेड पकौड़ा हमारा ऊपर से कितना ज़्यादा स्मूथ और क्रिस्पी लग रहा है। दूसरे बेज में मिनी ब्रेड पकौड़ा जो बच्चों के लिए हमने कटिंग करके बनाया था तो ये रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं। छोटे छोटे मिनी ब्रेड पकौड़े का शेप देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर आया है शेप में और ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। और ये हमारा बड़ा वाला ब्रेड पकौड़ा
और इस ब्रेड पकौड़े को आप देख सकते हैं, ये ऊपर से बहुत ही ज्यादा स्मूथ और क्रिस्पी लग रहा है। ब्रेड पकौड़े की कटिंग भी कर लेते हैं। ये अंदर से जो हमने चटनी अप्लाई किया हुआ था दोनों ब्रेड के स्लाइस पे, वो बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगा कटिंग करने के बाद भी। तो कटिंग करने से ही आपको लग गया होगा ये कितना ज्यादा ऊपर से स्पॉन्जी और क्रिस्पी बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो और रेसिपी बनाने का तरीका आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर आप पहली बार रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना कीमती समय हमारी वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।